सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में पिछले एक माह से चल रहा अच्छी बारिश का दौर आज से थमने लगेगा। मानसून की गतिविधियां दोस्तों अब आपको पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान में भी कम ही नजर आएंगी। पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इस सिस्टम ने बंगाल की खाड़ी से आ रहे वेदर सिस्टम और नमी वाली हवाओं को रोक दिया है। इस कारण अब पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की ये गतिविधियां आपको कम देखने को मिलेंगी। उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से संपूर्ण राजस्थान में आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। राजस्थान के कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे और आगामी 24 घंटे में कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों कौन कौन से जिलों में किस तरह के अलर्ट IMD ने जारी किए हैं और दोस्तों राजस्थान से सटे हुए कौन कौन से राज्यों में फिलहाल किस तरह के अलर्ट दर्शाए गए हैं, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। बीते 24 घंटे की दोस्तों अगर बात करें तो भरतपुर धौलपुर के कुछ ही स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला था, जबकि शेष राज्य के अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह से आपको साफ देखने को मिला था। दोस्तों राजस्थान के अगर अलवर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के आसपास के कुछ स्थानों पर आपको आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही भी नजर आई। जयपुर में भी दोस्तों हल्के फुल्के बादल छाए रहे और देर शाम तक यहां पर भी ठंडदार हवाओं का असर कुछ स्थानों पर देखने को मिला था। सर्वाधिक बारिश की अगर बात करें तो दोस्तों धौलपुर में आपको 20 mm बारिश देखने को मिली और भरतपुर में भी कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश बीते 24 घंटे में नजर आई थी। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अभी तक राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत कराया था, सेम कंडीशन आपको देखने को मिली है। जयपुर और भरतपुर संभाग के बारे में ही आपको बीते 24 घंटे में बारिश के बारे में अवगत कराया था। इन दोनों ही संभागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और बादल छाए रहे थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 48 घंटों तक आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और कौन कौन से जिलों में दोस्तों भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों से पुरानी वीडियोज में कमेंट आए थे कि सर हमारे यहां पर एक बार फिर से कब तक भारी बारिश देखने को मिलेगी, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका एक एक डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको आगामी 24 घंटे में सिर्फ जयपुर और भरतपुर संभाग के ही कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल देखने को मिलेंगे। भरतपुर संभाग के इक्का दुक्का स्थानों पर ही छुटपुट बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर और दोस्तों अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे, यहाँ पर ही दोस्तों छुटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में भी कुछ स्थानों पर बादल आपको 8 या 9 अगस्त देर रात तक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों मौसम में बदलाव कुछ स्थानों पर आपको नजर आएगा। हल्की फुल्की बारिश कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में आपको 8 या 9 अगस्त को देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। कहीं पर भी दोस्तों फिलहाल भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं बनी हुई है। टेम्परेचर लगातार दोस्तों आपको उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों का बढ़ा हुआ नजर आएगा। अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर से टेम्परेचर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। टेम्परेचर दोस्तों आपको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पश्चिमी राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले का आपको नजर आएगा। अजमेर संभाग में भी दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। आगामी 3 से 4 दिनों तक अजमेर संभाग में भी कहीं पर भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान बढ़कर एक बार फिर से आपको अजमेर संभाग के नागौर, अजमेर और दोस्तों टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों का 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग में ही दोस्तों ये तापमान आपको 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास या दोस्तों 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ जिलों का देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दोस्तों 24 घंटे बाद से एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और दोस्तों यहाँ पर भी टेम्परेचर लगातार आगामी दिनों में आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा।
तीन से चार दिनों तक दोस्तों पूर्वी राजस्थान में कुछ इसी तरह की आपको मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आगामी चार से पाँच दिनों तक फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों कुछ स्थानों पर ही ये बादल देखने को मिलेंगे। कोटा और दोस्तों भरतपुर जयपुर संभाग में ही आंशिक रूप से बादल छाएंगे। शेष राजस्थान के ज़्यादातर जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है दोस्तों, कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके अवश्य बताएँ ताकि आप ही के राज्य के अन्य साथियों को पता चले कि आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों आगामी दिनों के लिए IMD ने कहां कहां पर किस तरह के हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। तो आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहां पर बात करेंगे 8, 9 और 10 अगस्त के मौसम के बारे में। 8 अगस्त को दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान को यहां पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, कहीं पर भी दोस्तों बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको भरतपुर संभाग के भरतपुर और धौलपुर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जयपुर संभाग के अलवर, दौसा और जयपुर में कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल देखने को मिलेंगे। सवाई माधोपुर, करौली और दोस्तों धौलपुर के आसपास के कुछ एरिया में हल्की फुल्की बारिश आपको नजर आएगी। कोटा संभाग में भी दोस्तों आंशिक रूप से बादल कुछ स्थानों पर देखने को मिलेंगे। उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर जिलों का मौसम पूरी तरह से आपको साफ देखने को मिलेगा। टेम्परेचर एक बार फिर से आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। उमस और गर्मी का दौर पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। के बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 9 अगस्त के मौसम के बारे में। 9 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल भी संपूर्ण राजस्थान को ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, कहीं पर भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ दोस्तों आपको भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में देखने को मिल सकती है। भरतपुर और धौलपुर जिलों में दोस्तों कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी आपको नजर आएंगी, जबकि दोस्तों उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे और हल्की फुल्की छुटपुट बारिश उदयपुर संभाग में आपको नजर आ सकती है। शेष दोस्तों अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग के भी दोस्तों सीकर, झुंझुनू, जयपुर और दोस्तों अलवर, दौसा के आसपास के ज्यादातर जिलों का मौसम साफ देखने को मिलेगा। अलवर में कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आपको नजर आएंगे और छुटपुट बारिश कुछ स्थानों पर नजर आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 10 अगस्त के मौसम के बारे में। 10 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान को ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, कहीं पर भी दोस्तों बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी बीकानेर और जोधपुर संभाग को ग्रीन अलर्ट में रखा गया है। पूर्वी राजस्थान के दोस्तों आपको कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाएंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर ही छुटपुट बारिश आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की दोस्तों राजस्थान में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर संभाग का तापमान एक बार फिर से आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। जयपुर संभाग के प्रत्येक जिले का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। राजस्थान में दोस्तों ये तापमान लगभग आपको 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रत्येक जिले का देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों का दोस्तों टेम्परेचर आपको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच भी नजर आएगा। आगे दोस्तों जैसे ही कोई नया मौसमी सिस्टम बनेगा या दोस्तों फिर से बंगाल की खाड़ी में कोई नया मौसमी सिस्टम अपडेट होगा तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। दोस्तों ये पश्चिमी हवाएं जो लगातार कुछ इस तरह के ट्रैक बनाए हुए हैं, जिसके कारण ये बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने वाली इन पवनों को लगातार पीछे की ओर धकेल रही हैं, जिसके कारण दोस्तों ये नमीदार पवनें लगातार आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और दोस्तों ये मानसून है लगातार आपको कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है।